नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। हंगामे और हिरासत के बाद युवा मोर्चा का हल्ला बोल खत्म। ब्रिजमोहन मुड़त सहित कई नेता गिरफ्तार, पुलिस ने पूरा संयम बरता। राज्यपाल ने ली कुलपतियों की बैठक, कहा नई शिक्षा नीति लागू करने सभी विश्वविद्यालय तैयार हों। और नदियों की जांच में हसदेव समेत 3 नदियां मिली दूषित, चापा समेत 3 नगर पालिकाओं पर 17 करोड़ जुर्माना। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में बीजेपी ने राजधानी रायपुर में हल्ला बोला। प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता रास्ते के बैरिकेड्स तोड़कर पुलिस वालों से जूझते हुए मुख्यमंत्री निवास के करीब पहुंच गए थे। इस दौरान कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास के मार्ग तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग नहीं किया। कहीं वाटर कैनन भी नहीं चलाई गई। कई स्थानों पर तो जवान बिना लाठियों के तैनात थे और हाथों से ही प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शन के आखिर में सीएम हाउस के पास से गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ। रायपुर विधायक बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मुड़त सहित कई नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कई बसों में नेताओं कार्यकर्ताओं को भरकर सेंट्रल जेल कैंपस भेजा गया। इस प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी पुलिस के जवानों को हुई। युवा कार्यकर्ताओं ने रोके जाने के दौरान जवानों से धक्का मुक्की की, ऐसे में कई जवान घायल हो गए। वहीं कुछ महिला आरक्षकों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने ये ख्याल भी नहीं रखा कि वे महिलाएं हैं। प्रदर्शन के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें चोटें भी आईं। जरा सुनिए इन्हीं महिला जवानों की जुबानी। बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में है, महिलाओं को भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारे ऊपर हमारे बाल खींच दिया जा रहा है और बहुत ही परेशान कर दिया गया है। शांत होने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड करते हुए बताया है कि प्रदर्शनकारी पंचशील नगर में किसी अधिकारी के मकान के दीवार पर चढ़े हुए हैं और इसे सीएम हाउस बता रहे हैं। जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। इससे पहले नगर निगम के पास हुई सभा में मंच से BJYM अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि दिसंबर तक सभी सरकारी वैकेंसी को भरा जाए, साथ ही अनियमित कर्मचारियों को नियमित करें। इसके लिए भूपेश सरकार को 3 माह का अल्टीमेटम देते हैं, इसके बाद फिर से आंदोलन होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश की 15 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की बैठक ली। सभी यूनिवर्सिटी की समीक्षा की गई। इस दौरान सभी को प्रेजेंटेशन के लिए 10-10 मिनट दिया गया था। इस मौके पर राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों से कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करनी है, इसके लिए तैयार रहें। इस दौरान छत्तीसगढ़ भाषा में चलने वाली नोट शीट की राज्यपाल व उच्च शिक्षा मंत्री ने तारीफ की। इस बात की घोषणा स्थापना दिवस पर करने को कहा, साथ ही छत्तीसगढ़ी में व्याख्यान, स्वतंत्रता दिवस पर शहीद परिवार का सम्मान, श्रेष्ठ छात्र, शिक्षक व अधिकारी के सम्मान की भी तारीफ हुई। छत्तीसगढ़ पर्यावरण विभाग ने गंदे नालों का पानी नदियों में मिलाने के मामले में 3 नगर पालिकाओं चांपा, मुंगेली और तखतपुर तथा नगर पंचायत लोरमी पर 17.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रदेश में नदियों के संरक्षण के मामले में पर्यावरण विभाग की यह अब तक की बड़ी कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NGT ने देश भर के निकायों को नालों का पानी साफ करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के आदेश दिए थे। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण मंडल को इस आदेश का पालन करने का जिम्मा सौंपा गया। इस आधार पर कार्रवाई करते हुए चांपा नगर पालिका पर हसदेव नदी में 7 नालों का गंदा पानी जाने की वजह से 9.90 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया। तखतपुर नगर पालिका पर मनियारी नदी में पचरेहा नाले का पानी जाने की वजह से 90 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। मुंगेली नगर पालिका पर आगर नदी में 2 नालों का पानी जाने के कारण 1.80 करोड़ रुपए, वहीं लोरमी नगर पंचायत पर 5 नालों का पानी मनियारी में मिलने के कारण 4.50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू संक्रमण की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। रायपुर व बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के 6-6 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में स्वाइन फ्लू संक्रमित लोगों की कुल संख्या 141 तक पहुंच गई है। बताया गया है कि बिलासपुर के निजी अस्पताल में जांगीर चांपा निवासी एक महिला की मौत हुई है। 35 साल की महिला को कुछ दिन पहले गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया था। वहां जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। इलाज के दौरान कल उसने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।